पत्रकार वार्ता की जा रही है। शुक्रिया रविंदर जी और दैनिक शिफ्ट टाइम के और मीडिया वन के, जो आप वक्त बेवक्त हमारे लोगों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करते हो, इसके लिए मैं अपने पूरे रामनगर ब्लॉक की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन मोटिव है हमारे यहाँ पे रामनगर में कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक इलेक्शन आ रही है। इसमें आपको एक मज़ेदार बात बता दूं कि ये जो इलेक्शन आ रही है, इसमें कल मेरी पंचायत घर के बाहर मैंने एक नोटिस पढ़ा पंचायत के बाहर कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये वो नॉमिनेशन है, तो उसको 20 तारीख को इसकी इलेक्शन है, जिसमें मैंने जो आर ओ वहाँ पर लगाए गए हैं हमारे एग्रीकल्चर के जो AEO साहब हैं, उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझे भी नॉलेज नहीं है कि क्या करना है, मगर जब मैं सुबह उनके पास पहुंचा तो मैंने उनसे वोटर लिस्ट मांगी कि कौन कौन लोग हैं जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वोट डालने को एलिजिबल हैं। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि वोटर लिस्ट मेरे पास अभी आने वाली है, क्योंकि 1 तारीख से नॉमिनेशन के फॉर्म शुरू हो गए हैं, मगर मज़ेदार बात बता दूँ कि उनके पास भी जो वोटर लिस्ट नहीं थी। जब मैंने उनसे बात की उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास वोटर लिस्ट आने वाली है। मैं रामनगर आया, इनके कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में आया, यहाँ पर जो राजीव जी लगे हुए हैं वो किसी काम से यहाँ से डाक लेके उधमपुर की तरफ निकल चुके थे। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, उन्होंने कहा कि आप जो है कल हम आपसे बात करेंगे। इसमें मैं आपको मज़ेदार बात बता दूँ कि इसमें 725 वोटर हैं, जिनमें से 60% से ऊपर जो लोग हैं उनकी मुझे लगता है जा तो वो उनकी डेथ हो चुकी है, और 40% वो लोग हैं जो अभी नए नए इसमें शामिल हुए हैं। आज तक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया कि इसकी मेंबरशिप जो है होने वाली है, तो फिर इलेक्शन किस बात की। इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, जैसे हमने पंचायत की इलेक्शन लड़ी है, MLA की इलेक्शन होती है, वो होती है, MP की इलेक्शन होती है, उससे पहले जो बताया जाता है कि इस इलेक्शन में जो नई एनरोलमेंट, जो नए लोग इसमें शामिल हो सकते हैं उसका टाइम रखा जाता है, मगर वो कहीं भी नहीं रखा जाता। अचानक से एक नोटिस जो हमारे पंचायत घरों के बाहर चिपका दिया जाता है, जब हमें अभी मैं इनके ऑफिस में जो सेक्रेटरी हमारे पंचायत में लगाए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से, उनसे जब मैंने वोटरों की लिस्ट के लिए बोला तो उन्होंने मेरे को एक वोटरों की लिस्ट प्रोवाइड की है, जिसमें से 50% से ज़्यादा लोग हैं उनकी जो डेथ हो चुकी है, जा कई लोग हैं उनका पता ही नहीं है कि ये कौन लोग हैं, ना उनका मोबाइल नंबर इसमें लिखा गया है। कैसे कोई, अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको, आप ही इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको पता ही नहीं है ये कि है कौन है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने जो इनके चीफ हैं जम्मू में बैठे हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उनको एक संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस जो इलेक्शन है इसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि इस इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर ये इलेक्शन करवानी है तो जैसे इलेक्शन करवाए जाते हैं उसी तरीके से करवाए जाएँ, जा तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की इतनी स्कीम्स आती हैं जो हमारे लोगों को आज तक पता नहीं है। हमारी पंचायतों में जब जब मंथली मीटिंग होती है, मुझे आज तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी आदमी हमारी मीटिंग में दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन को जैसे इलेक्शन होते हैं उस तरीके से करवाया जाए, और जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है इनको इस लिस्ट से डिलीट किया जाए। और कई लोग इसमें, मैं आपको मज़ेदार बात बता दूं कि डबलिंग की गई है, एक ही नाम दो बार चढ़ाया गया है। पहले इसको इनका डिपार्टमेंट चेक करे कि इसमें कितने लोग हैं जो डबल चढ़े हुए हैं। लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। मैं आपको बता दूं कि जो ये इलेक्शन हो रही है, मैं अपने पंचायत घर को इस इलेक्शन के लिए नहीं खोलूंगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आज अपने आपके माध्यम से यहां से बताना चाहता हूं कि हमारे पंचायत घर इस इलेक्शन के लिए